दोस्तों, क्या ईयरफोन और हेडफोन को हाई वॉल्यूम पर सुनने से आपके कान खराब हो सकते हैं? जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शर्मा एंड टुडे वेलकम यू टू माय चैनल ड्यूडी रावत। लेट्स स्टार्ट। तो जब भी हम वॉल्यूम हाई करते हैं अपने लैपटॉप या मोबाइल में, तो उसमें एक पॉपअप आता है कि आप इतनी ज़्यादा वॉल्यूम ना करें, आपके कानों को डैमेज हो सकता है। दोस्तों, तो वो एक तरह से ट्रू है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ हमें वॉल्यूम फुल करनी है और गाने ज़्यादा वॉल्यूम में सुनने हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ नहीं सोचते, कोई भी इंसान इतना पागल नहीं होगा कि अपनी वॉल्यूम को इतनी फुल करे कि अब उसके कान दर्द करने लग जाए। वो एक लिमिट में ही रखेगा, लेकिन वो लिमिट भी हमारे कान को डैमेज करेगी, ये कैसे पता करें? दोस्तों, 85 डेसिबल, इतने से ज़्यादा अगर आप सुनेंगे तो आपके कान हर्ट हो रहे हैं ग्रेजुअली। एक साथ आप बहरे नहीं होने वाले, लेकिन धीरे धीरे आपके कान डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली किसी के पास डेसिबल मीटर तो है नहीं कि हर बार ना आपके ईयरफोन में लगा के चेक कर ले कि 85 डेसिबल है। तो दोस्तों, तरीका ये है कि आप ईयरफोन की वॉल्यूम या हेडफोन की वॉल्यूम को इतनी रखें कि आपको सुनाई दे जाए और आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना रखे। दूसरी चीज़, क्यों हाई क्वालिटी सॉन्ग सुने, लाइक 320 kbps में आप 1990s के गाने सुनेंगे, 48 kbps के, 84 kbps, तो बहुत ही गंदी क्वालिटी आएगी। आप फुल वॉल्यूम में सुनेंगे तो आपके कान खराब होने ही होने हैं। तो आप 320 kbps के गाने, लाइक आप जियो म्यूजिक से गाने सुने, क्योंकि उसके गाने हाई क्वालिटी में होते हैं, 320 kbps में होते हैं। बहुत सारी और भी गाना हंगामा, उन पर भी आप 320 kbps के गाने सुन, लेकिन जियो म्यूजिक पर सारे गाने 320 kbps में है, तो एक वो अच्छी बात है। आप उसे हाई क्वालिटी में सेट करें और 320 kbps पर गाने सुन सकते हैं। तीसरी चीज़, आप इक्वलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, कुछ म्यूज़िक एक्सपर्ट होते हैं, कुछ गाने रिकॉर्ड करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर बीट सुननी है, तो इक्वलाइजर यूज़ करके उस बीट की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। सारी वॉल्यूम को बढ़ाने की, एक साथ बढ़ाने की जरूरत नहीं, सब बढ़ जाती हैं आपके कानों को डैमेज करेंगे। तो आप सिर्फ उसको बढ़ाइए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीट नहीं, अगर आप में इतना दिमाग है कि आप इक्वलाइजर से पंगा ले सकते हैं और इधर उधर कर सकते हैं, मैं सब विद इक्वलाइजर, तो लीजिए, वरना मत लीजिए, आपके गाने खराब ही हो जाएगा। अगर आप थोड़े म्यूजिक एक्सपर्ट हैं तो आप इक्वलाइजर से पंगा ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इफ यू डिसलाइक द वीडियो यू कैन हिट दैट बटन, बट इफ यू लाइक द वीडियो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।